वीडियो में हमने देखा था कि यदि ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है तो हम ए बी और सी की फॉर्म में इसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया था ए इज टू बी इज एक्स इज वाई और बी इज टू सी इज एम इन टू एन, तो इसको हमने सीखा था कि ए बी सी में हम कैसे बदलेंगे। अब की बार इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि हमें ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ए बी सी निकाला था, यहाँ हमें ए बी सी दे दिया गया है और एक और अनुपात दे दिया गया है सी और डी का जो कि एम इज टू एन है, तो अब हम इनको दोनों अनुपातों को ए बी सी डी में कैसे बदलेंगे, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसी ट्रिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सीख लेते हैं इसको। अब यदि हम ए बी सी का अनुपात एक ले लेते हैं, ए इज टू बी इज टू सी, ये हमें दिया है 10, 15, 12, और हमें एक और अनुपात दिया है दैट इज सी इज टू डी, सी इज टू डी हमें सपोज दिया है 3:7। अब हमें पता करना है कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, यानी कि इन चारों को अब एक साथ लेके चलना है और पता लगाना कि इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो फिर से वही तकनीक अपनाएंगे, ए बी सी को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी बी के साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो इनफैक्ट हम ये चीज़ यहाँ पे उतार लिए हैं, अब एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ये 10, 15, 12, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, ए के नीचे 10, बी के नीचे 15 और सी के नीचे 12, डी का खाली है तो डी को छोड़ देंगे। अगली लाइन में चलते हैं, हमें दिया हुआ सी डी 3 और 7, तो यहाँ पे सी के नीचे 3 और डी के नीचे 7 लिख देते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे 20 का स्पेस खाली है, ए का स्पेस भी खाली है। अब हम एक और लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे और उसी रीति के साथ आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या है 12, तो हम 12 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भरना है स्पेस, तो यहाँ पे इसके पास है 3, तो इस लाइन में हम 3 से स्पेस को भर देंगे, इसको भी भर देंगे, क्लियर है। अब अगले चरण में हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, 10 का 3 के साथ, 15 का 3 के साथ, ऐसे 12 का 3 के साथ, फिर 12 का 7 के साथ। यहाँ पे हमें मिलेगा 30, यहाँ पे मिलेगा 45, यहाँ पे मिलेगा 36 और यहाँ पे मिलेगा 84। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इन सब का एस सी एफ एक के अलावा और क्या है, 3 भी है, 3 से ये सब काटते हैं तो हमें 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो अनुपात हम छोटे छोटा रखते हैं, तो हमें काटना पड़ेगा इन सबको 3 से, एक से काटने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 3 से काटना जरूरी है। तो यहाँ पे 10 में बदल जाएगा, ये 15 में बदल जाएगा और ये बदल जाएगा 12 में और ये बदलेगा 28 में। तो एक्चुअली अनुपात हमारे पास क्या आया, आंसर हमारा ये आया 10:15:12:28, ये किसी वैल्यू है, ए बी सी डी की वैल्यू है। तो ये कुछ सेकंड में होने वाला सवाल इस प्रकार से बन जाता है। आगे चलते हैं थोड़ा, एक एग्जाम्पल कम से कम और देख लेते हैं इस प्रकार का। हमने लिया सपोज ए बी सी, यहाँ पे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, सॉरी इज टू सी 1:2:3, ये हमें दिया है और साथ साथ क्या दिया है, सी इज टू डी दिया है 4:5। ठीक है, अब हमने ए बी सी डी निकालना है तो लिख लेते हैं ए बी इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इसी को हमने पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, लिखेंगे इसको ऐसे और एक लाइन खींचेंगे इसके नीचे, आगे बढ़ेंगे, ए बी सी हमारे पास ऑलरेडी है, लिख देंगे इसके नीचे 1, 2, 3, सी और डी वाला 4 और 5 है, इसको दूसरी लाइन में ले जाएंगे 4:5। चाहो तो अनुपात लगा लो, चाहे तो मत भी लगाओ, कोई। अब देख लेंगे गैप कहाँ कहाँ पर, डी के नीचे एक गैप है, यहाँ बी के नीचे भी है, यहाँ ए के नीचे भी है। इस लाइन को हम भरेंगे तो हमें यहाँ से नियरेस्ट नंबर है 4, 4 से भरेंगे इन दोनों गैप्स को। यहाँ पे 3, सॉरी डी है, डी के नीचे हम क्या भरेंगे, 3 ही भरना पड़ेगा क्योंकि इस लाइन में इसके पास सिर्फ 3 है, तो हमने ये भर दिया है, क्लियर। अब हम फिर से गुणा वाला प्रोसेस अपना लेते हैं, तो 4:1 यानी कि 4, 4 दूनी 8, अगला हो जाएगा 4 3 12 और अगला हो जाएगा 3 5 15, अनुपात का निशान यहाँ लगाते चलिए साथ साथ। अब इनमें कुछ है ऐसा जिससे हम इन सबको काट सकते हैं, नहीं है, इनका
SCF एक के अलावा कुछ नहीं है, अगर कुछ और होता तो उससे काटते, पिछले प्रश्न में हमने देखा था। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि SCF एक के अलावा यहाँ कुछ और है नहीं, यानी कि किसी और नंबर से नहीं कटेंगे एक के अलावा, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। तो इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये सवाल कर लिए, और होपफुली आप इस तरह के दो तीन प्रश्नों पे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी लाइफ टाइम भूल भी नहीं पाएंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।